Hello students, a very good morning to all of you. Today I am here to discuss chapter 4 question answer. The name of the chapter is The Western Deserts. Deserts के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, okay? जिसमें first question है, how is camel useful in deserts? Camel कैसे useful है desert area में? Camel is known as ship of desert. Camel have been used for transporting goods across deserts for thousands of years. Camel is the only desert animal that can carry heavy loads. See, camel useful इसलिए है क्योंकि camel ही एक ऐसा animal है जो desert area में पाया जाता है. इनके padded feet होते हैं और ये अपने hump में food store करके रखता है और जिसकी वजह से ये कई दिनों तक बिना पानी के बिना फूड के चल सकता है और पैडेड फीट की वजह से इसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज हाउ इज द फेस ऑफ डेजर्ट चेंज. कैसे फेस ऑफ डेजर्ट चेंज हुआ? ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट द चेंज हैज चेंज द फेस ऑफ डेजर्ट. दिस कैनल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलेज रिवर एंड सप्लाई इट टू मेनी पार्ट्स. मेनी ड्राई एरियाज अलॉन्ग द कैनल have turned green with the planting of trees. Means जो इंदिरा गांधी कैनल है उसकी उससे वाटर सप्लाई होने की वजह से जो भी प्लांटेशन शुरू हुआ, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए. लोग पहले बहुत दूर चलते थे पानी की खोज में, अब वो कम हो गया. लोग जो ड्राई एरिया था वो ग्रीन एरिया में हल्के धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज ओयासिस. ओयासिस आपको पता है, मैंने फिगर में भी आपको कई बार दिखाया है. ओयासिस ये देखे, ये है ओयासिस. ये यू कैन सी एट द फिगर, दिस इज ओयासिस. ओके, ओयासिस क्या होता है? ओयासिस इज अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड, पैच ऑफ वेजिटेशन सराउंडेड बाई डेजर्ट कम्युनिटीज हैव ट्रेडिशनली प्लांटेड स्ट्रॉन्ग ट्रीज सच एज पाम अराउंड द पेरीमीटर्स ऑफ ओयासिस टू कीप द डेजर्ट सैंड फ्रॉम देयर डेलिकेट क्रॉप्स एंड वाटर. ओयासिस जो है एक पैच ऑफ लैंड होता है जिसमें जिसकी वाटर सप्लाई, वाटर की जो नीड्स होती है वो वहाँ के आसपास के लोग उसे फुलफिल करते हैं और वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, एनिमल्स को फीड कराते हैं, खुद की जो बेसिक नीड्स होती हैं वाटर की वो फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन डेजर्ट. द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन डेजर्ट इज ग्रेजिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन है पीपल का वहाँ पे. व्हाट इज द टिपिकल वेजिटेशन इन डेजर्ट. ड्यू टू लैक ऑफ रेन ओनली फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर. डेट पाम एंड स्कैटर्ड थॉर्नी ट्रीज ऑफ बबूल्स एंड कैक्टस प्लांट्स एंड बुशेस. इन सम एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल ज्वार बाजरा वीट आर ग्रोन. मीन्स दिस इज द टिपिकल वेजिटेशन इन डेजर्ट. डेजर्ट एरियाज में बेसिकली पाम होते हैं क्योंकि वाटर कम होता है, ड्राई वेदर होता है, हॉट विंड्स होते हैं, इसीलिए वहाँ वेजिटेशन बहुत कम होता है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. द थार डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट. The region experience extreme type of climate. In winter, days are hot and nights are cold. The Indira Gandhi Canal changed the face of desert. Jaipur is also called Pink City. Next, the desert people largely depends on the agriculture for living, for livelihood falls. The desert has good network of roads and railways falls. Sand dunes are the typical features of desert true. The region experience a mild climate true. And the cactus and babool are the main trees found in the desert. True. Next is match the following. You have to match it very clearly. And अगर आप नहीं लिखे होंगे तो please students question answers और exercise note कर लीजिएगा. ये बहुत important है, chapter 4 का है. The name of the chapter is Western Desert. Okay. Ship of desert, camel, ghaggar is a festival. Great Indian desert, Thar desert. इंदिरा गांधी कैनल सोर्स ऑफ इरिगेशन. पिंक सिटी जयपुर. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेज नंबर 30 एंड लर्न इट ऑल्सो फॉर योर सेकेंड पीरियोडिकल टेस्ट. ओके, और ये एक्सरसाइज भी आप लोग अपने बुक में नोट करोगे. नहीं लिखे होगे तो प्लीज नोट करना.
और ये बहुत ही पहले 5/5/2021 को मैंने कराया था, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे नहीं किए हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए।